छप्पन का फटका, 440 का झटका। दिखेगी कभी ईद कभी दिवाली। बॉलीवुड में क्यों कम नजर आती है पूजा हेगड़े। कभी ईद कभी दिवाली में हमें काफी न्यू कमर्स दिखाई देने वाले हैं जो बॉलीवुड में डेब्यूट करने वाले हैं। और वहीं बिग बॉस के दो फेमस कंटेस्टेंट्स का नाम भी शामिल है, शहनाज गिल और आसिम रियाज। ये दोनों ही बिग बॉस 13 के रनर अप रह चुके हैं। दोनों को ही बिग बॉस 13 के बाद काफी फेम भी मिला। आए दिन आसिम रियाज हमें सॉन्ग्स करते हुए नजर आए, लेकिन वहीं दूसरी ओर शहनाज गिल इंस्टाग्राम पर काफी एक्टिव रहती हैं, लेकिन वो शोज और सॉन्ग्स में कम नजर आती हैं। और अभी अभी कुछ ही दिनों पहले ये खबर आती है कि आसिम रियाज, शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। और कहा जा रहा है कि उसी फिल्म को करने के बाद ही सिद्धार्थ शुक्ला हमारे बीच में नहीं रहे। लेकिन इस खबर को जानने के बाद शहनाज गिल, जो कि सिद्धार्थ शुक्ला की काफी खास है, उन्होंने ये सुनने के बाद टीवी इंडस्ट्री से काफी ब्रेक भी ले लिया था। लेकिन अच्छी खबर ये है कि वो टीवी इंडस्ट्री में फिर से लौट आई है, लेकिन उनका कहना है कि वो मूवीज नहीं करेंगी। वहीं बात करें सलमान खान की, तो सलमान खान की काफी अपकमिंग मूवीज आने को है, जैसे कि टाइगर 3, बजरंगी भाईजान 2 और कभी ईद कभी दिवाली। सुनने में आया है कि टाइगर 3 फिल्म की शूटिंग अब खत्म होने को आ गई है और इसके बाद वो कभी ईद कभी दिवाली की शूटिंग को लग जाएंगे। अब आप सभी को ये लग रहा होगा कभी ईद कभी दिवाली से पहले हमें उनकी फिल्म टाइगर 3 देखने को मिलेगी, पर यहाँ मेकर्स का कुछ और ही डिसीजन है। ऐसा माना जा रहा है कि कभी ईद कभी दिवाली हमें 2023 की ईद में रिलीज किया जाएगा, इसलिए ये पता चलता है कि कभी ईद कभी दिवाली हमें टाइगर 3 से पहले देखने को मिल सकती। वैसे तो सलमान खान के फैंस सलमान खान की कोई भी मूवी को देखने के लिए काफी एक्साइटेड ही रहते हैं। और वहीं इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस की बात की जाए तो इस फिल्म में पूजा हेगड़े मेन लीड एक्ट्रेस के रोल में नजर आएंगी। और वहीं पूजा हेगड़े एक फिल्म के प्रमोशन के लिए भी अभी नजर आ रही हैं। जी हाँ, मैं राधे श्याम मूवी के बारे में ही बात कर रही हूँ। पूजा हेगड़े और प्रभास दोनों ही मुंबई के कई लोकेशंस में स्पॉट भी हुए हैं। और ये बात भी सभी को पता है कि पूजा हेगड़े बॉलीवुड की मूवीज में काफी कम नजर आती हैं। और एक इंटरव्यू में जब हमने उनसे पूछा कि आप बॉलीवुड की फिल्म में इतनी कम क्यों नजर आती हैं, तो जवाब में उन्होंने ये कहा था कि मैं बॉलीवुड की इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्टेड भी हूँ और मुझे कई ऑफर्स भी आए हैं बॉलीवुड मूवीज को करने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ उन्हीं मूवीज को चूज करती हूँ जो मुझे एक्साइटिंग और अच्छी लगे। तो उनकी बातों से तो ऐसा ही लगता है जैसे उनकी अपकमिंग फिल्म राधे श्याम और कभी ईद कभी दिवाली की स्टोरी लाइन उनको काफी अच्छी लगी है। उनका कहना यह है कि राधे श्याम मूवी की लव स्टोरी एक अनोखी लव स्टोरी है जो कभी किसी ने देखी होगी ना ही किसी ने सुनी होगी, और ये मूवी दर्शकों को भी काफी पसंद आने वाली है। ऐसे ही चटपटी और रंजनी कहानी हम आप तक जल्दी ही पहुंचाएंगे। आपके इस मूवी के ऊपर क्या व्यूज हैं, ये हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, बेल आइकन को भी क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आपको हमारे वीडियो नोटिफिकेशन जल्दी ही पहुंच पाए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो और नए कंटेंट के साथ।